हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। होली के त्योहार के लिए आज मैं आपके लिए रोस्टेड जवार थानी का चिवड़ा की एकदम नई रेसिपी लेके आई हूँ। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम जवार की धानी ली है। धानी को छन्नी से अच्छे से छान के लिया है। इसे कढ़ाई में डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक भूनेंगे। 8 से 9 मिनट इसे लगातार चला के भून लिया है और ये एकदम क्रिस्पी हो गई है। इस तरह से करेंगे तो अच्छे से ये टूटनी चाहिए। 1 कप आलू की ड्राई सली ली है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे हम थोड़ी थोड़ी तेल में डाल के फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है, तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पे रख के इसे फ्राई करना है। इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करके तुरंत ही इसके ऊपर आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे ताकि ये ऊपर अच्छे से लग जाएगी, और आधी टीस्पून में थोड़ा सा कम नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें 1/2 कप मूंगफली डालेंगे। लगातार चला के लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। मूंगफली चटकने की आवाज आए तब तक इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब देख सकते हैं मूंगफली के ऊपर क्रैक भी आ गई है। 15 काजू का 1 का 2 पीस किया है। 15 बादाम का भी 1 का 2 पीस किया है। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे, नहीं तो मूंगफली जल जाएगी। 1/3 कप सूखा नारियल की स्लाइस करके ली है। धीमी आंच पे लगातार चला के भुनेंगे। काजू बादाम और नारियल की स्लाइस लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे। 2 हरी मिर्ची को स्लीट करके लंबा पेस्ट किया है, ये डाल देंगे। 1 स्ट्रिप करी पत्ता डालेंगे। धीमी आंच पे इसे भुनेंगे। सब मिक्स करके लगातार चला के भूनेंगे। करी पत्ता और हरी मिर्च क्रिस्पी हो जाएगी तब तक भूनना है। करी पत्ता और हरी मिर्च भी एकदम क्रिस्पी हो गई है। ये सब भूनने के लिए मोटे तले का पैन लेंगे तो ये जलेगा नहीं। 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गैस ऑफ करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। गैस बंद करने के बाद ही मिर्ची पाउडर इसमें डालना है ताकि ये जलेगा नहीं। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। जवार की धानी भून के रखी है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है। इस तरह से मिक्स करेंगे तो सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर डालेंगे। आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो आप 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना डाल सकते हैं। ये सारी प्रोसेस हमें गैस बंद करके ही करना है। आलू की सली हमने फ्राई करके रखी है, ये अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी जवार धानी का चिवड़ा बनके रेडी हो गया है। कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे। धानी का चिवड़ा एकदम ठंडा हो गया है, ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसे एयर टाइट कांच की बर्नी में भर के 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। चिवड़ा इतना टेस्टी बना है कि इतने लंबे समय तक ये रहेगा ही नहीं। बहुत ही टेस्टी चिवड़ा बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी रोस्टेड जवार धानी का चिवड़ा बनके रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।